बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर व्यूअर्स, माइंड ग्रूमर्स का प्लेटफॉर्म और रियलिटी टॉक शो के साथ औरंगजेब सोहरावर्दी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू की जो कि मुल्की लेवल पे भी बहुत अहम है, सोसाइटी के लिए भी बहुत अहम है, और वो है कि आर्ट कल्चर और खास तौर पे फिल्म के जरिए किस तरीके से नेशनल इमेज बिल्डिंग की जा सकती है, किस तरीके से अपनी सोसाइटी की शक्ल, अब उसकी तस्वीर दिखाई जा सकती है। इस अहम तरीन मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ शख्सियत भी अहम तरीन है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक रोशन सितारा, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी से बेहतरीन फिल्में इस इंडस्ट्री को दी, बल्कि अपनी शख्सियत के अच्छे रवैये से, इखलाक से भी बहुत से लोगों को मुतासर किया। आज हम उनसे जानेंगे कि फिल्म किस तरीके से नेशनल इमेज बिल्डिंग में काम कर सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद रफीक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने टाइम निकाला और आज आप हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक होंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मौका दिया कुछ कहने का, कुछ सुनने का। जबरदस्त सर, इतनी प्यारी बातें आपकी, आपका लहजा इतना खूबसूरत है, आपने इतने अच्छे काम किए, तो मैं चाहूंगा सर कि पहले किस तरीके से आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आए डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पे, उस वक्त बहुत सारी अजीबोगरीब फिल्मों का भी रिवाज था, लेकिन आपने तमाम तर तुंदिये वादे मुखालिफ के बावजूद बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल फैमिली और पोएटिक किस्म की फिल्में दी, क्या राज था इसके पीछे, क्या जज्बा था जो आप लेके आए? देखिए जी, फिल्में उस वक्त जो बन रही थी वो बड़े हर तरफ खून आलूद पोस्टर्स जो है ना वो दिखाई देते थे, तो उन दिनों में जी सर वाईफाई में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज में जरा गड़बड़ आ रही है सर, अपना वाईफाई कनेक्शन जरा देख लीजिए। जी शायद वाईफाई कनेक्टिविटी का कोई इशू आ गया है, जल्द ही वो हमें दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। उस वक्त तक हम बात करते हैं एक ऐसे इशू पे।
जी व्यूअर्स, जब तक शहजाद रफीक साहब दोबारा हमें ज्वाइन करते हैं वाईफाई की कनेक्टिविटी ठीक करने के बाद, तब तक हमने जो मौजू आज चुना है वो है आर्ट कल्चर और फिल्म का रोल खास तौर पे नेशनल इमेज बिल्डिंग में। बहुत सारे दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने फिल्म को बतौर मीडियम यूज करते हुए अपनी नेशनल पॉलिसीज को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने नेशनल कल्चर को बहुत ज्यादा दुनिया में प्रमोट किया और उसके फिर फायदे भी उठाए। हमारे हमसाया ममालिक में बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि उन्होंने फिल्म को एज ए मीडियम बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज किया। ये किस तरीके से हो सकता है, कैसे पाकिस्तान में जब क्या पाकिस्तान के बाद फिल्म इंडस्ट्री अरूज पे अपने पहुंची और उसने गियर अप किया तो उस वक्त क्या हुआ, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद जब शहजाद रफीक साहब दोबारा हमें ज्वाइन करते हैं। इनकन्वीनियंस के लिए माजरत खा है, इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज। It's been long. ये हॉटस्पॉट से सॉरी थोड़ा सा वो नेट का मसला बना हुआ है और बीच में कॉल आई हम इस वक्त लाइव हैं, इसलिए हम दोबारा गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे। मैंने आपसे दरख्वास्त की कि वो कौन सा जज्बा, वो कौन से ख्यालात थे कि फिल्म इंडस्ट्री में जब बहुत ज्यादा मार कुटाई का आप अपनी तालीम के जरिए असर होते हैं तो जो रूटीन में चल रहा था उससे हट के मैं कुछ करना चाह रहा था और स्पेशली उर्दू सिनेमा के लिए, तो एक राह हमवार हुई थी उस वक्त सैयद नूर साहब की फिल्में और मैडम शमीमारा की फिल्म मुंडा बिगड़ा जाए और नूर साहब की जीवा सरगम, इन्होंने एक राह हमवार की हुई थी। तो फिर मेरी फिल्म घूंघट जो है वो आ गई, वो उसको भी बनाने का एक जज्बा यही था कि उर्दू सिनेमा जो है वो परवान चढ़े। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं रीजनल सिनेमा के खिलाफ था या खिलाफ हूँ, मैं आज भी रीजनल सिनेमा के हक में हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पंजाबी फिल्में भी बहुत खूबसूरत फिल्में बनी हैं और फ्यूडलिज्म के खिलाफ कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत सारी एफर्ट्स जो हैं वो पंजाबी फिल्मों में हुई। पर सिर्फ ये एक जागीरदारा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कॉन्शियसली एफर्ट्स हुई है हसन अस्करी साहब ने खून पसीना के साथ किया, फिर एक फिल्म थी जुल्म दा बदला, हफीज अहमद साहब उसके राइटर थे और कैफी साहब डायरेक्टर थे। तो ये रीजनल सिनेमा जो है, रीजनल सिनेमा आगे गड़बड़ कहाँ से हुआ, वैशी जट जो है उसका एक पॉजिटिव असर लेने की बजाय, हालांकि उसकी वैशी जट की जो बुनियाद है वो एम नदीम कासमी साहब के अफसाना गंडासे से वो जो है ना उसकी एडाप्टेशन थी, तो वो वहां से जो है ना वो एक नेगेटिविटी शुरू हो गई है, एक लाउड जो है पंजाबी फिल्म में जो है ना वो बनना शुरू हो गई, हालांकि उसकी जो उसके अंदर उस अफसाने के अंदर जो मकसदियत है वो इग्नोर कर दी गई। तो वो एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा कि वायलेंस फिल्में जो है ना वो बनना शुरू हो गई, तो उसमें अच्छी फिल्में भी बनी हैं और बुरी फिल्में भी बनी हैं। फिर एक दौर आया कि वल्गैरिटी जो है वो काफ़ी जो है फिल्मों में आना शुरू हो गई, तो फिर माशाल्लाह आया ज़ियाउल हक का, उसमें आके बिल्कुल ही एक तबाही जो है ना वो मच गई, क्रिएटिविटी जो है वो दफन हो गई और अपना जो है ना वो लोगों को और अपना कैथारसिस करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी, वो स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो पुलिस के साथ ये वो अपना वो जो एक जो आपका जो कचहरी सिस्टम है, आपके दूसरे सिस्टम है, उन सब का कैथारसिस लोगों को स्क्रीन पे मिलता था
और वो सुल्तान रंग की शक्ल में मिलता था, तो लोग कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि जबरी पाबंदियाँ, और उसमें क्रिएटिव लोग जो है ना उस मार्शल्ला में बहुत पीछे चले गए, पढ़े लिखे लोग जो है ना, तो वो एक और तरह की ब्रीड जो है ना वो सामने आई, तो उसने हमारी फिल्मों का हुलिया जो है वो बिगाड़ दिया। तो जनाब साहब अगर मुझे आप इजाजत दें, आपने पूरा एनालिसिस कर दिया, सिचुएशन बता दी, मैं भी और व्यूअर्स भी जानना ये चाह रहे हैं कि इस पूरे माहौल में आपकी तरबियत का असर था, आपके ख्यालात ऐसे थे कि इतनी खूबसूरत फिल्में, इतने नफीस जज्बात वाली, इतने अच्छे गानों वाली, उसके पीछे क्या राज था, वो हमसे शेयर कीजिए। देखिए जी, मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो थे वो गुलजार साहब की एक फिल्म थी अचानक, उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। फिर नजरुल इस्लाम साहब की फिल्म बंदिश, वो एक सोर्स बनी मेरे लिए अपना ये फैसला लेने में कि मुझे फिल्म मेकर बनना है। तो जब आपके इंस्पिरेशन जो है वो इस तरह की हो, तो फिर आपका मिजाज भी वैसा हो, तो आप जाहिर है कि फिर जो आप अपनी पहली कोशिश करेंगे तो वो कोशिश आपकी ऐसी ही होगी जिन लोगों से आप इंस्पायर हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो नेशनल इमेज बिल्डिंग है, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये सारी वाकयात भी देखे, सारे हालात भी देखे, फिल्म को आपकी जाती राय में कितनी अहमियत हासिल है एक कौम का इमेज ग्लोबल लेवल पे बिल्ड करने के लिए, उसके रस्म और रिवाज को दिखाने के लिए, उसके माहौल को दिखाने के लिए, आपकी राय क्या है इस बारे में? देखिए जी, फिल्म और सिनेमा ये ऐसा एलिमेंट है कि जिससे आप सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए सिनेमा से अच्छा सोर्स और कोई है नहीं। आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए सिनेमा का बड़ा एक अहम रोल है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी अहमियत को समझा नहीं। और फिल्म जो होती है वो किसी भी मुल्क की जो है उसके रहन सहन, उसके कल्चर, उसकी तहजीब, उसका एक रिफ्लेक्शन होती है। तो फिल्म के ज़रिए आप अपना नेशनल इमेज बिल्ड कर सकते हैं, आप अपना टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं, आप सोशल इवेंट्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं और उनका हल दे सकते हैं। और हमारे यहाँ बड़ा अच्छा काम हुआ है, ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे काम नहीं हुआ, यहाँ बड़ी प्रोग्रेसिव फिल्में बनी है, बड़े प्रोग्रेसिव डायरेक्टर्स हमारे यहाँ रहे हैं, रियाज शाह साहब, खलील कैसर साहब, इन्होंने बहुत उमदा काम किया है। आप शहीद देख लें, आप जरका देख लें, आप अमन देख लें, वो इंटरनेशनल मौजूदात के ऊपर जो है ना बनी है। और उनके आज भी जो कश्मीर का मसला जिस स्टेज के ऊपर है, वो आप अमन फिल्म देख लें तो आपको उसकी जो है वो रूट्स और आपको उसके कनेक्शंस जो है ना वो, और मसले का हल जो है वो उस फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायलॉग के अंदर छुपा हुआ है। इसी तरह तेल का मसला आज भी इन मसाइल में उलझे हुए हैं। शहीद फिल्म आप देख लें, शहीद फिल्म की जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो उसका तेल है। तो ये ऐसे से हमारे यहाँ जयत इंटेलेक्चुअल फिल्म मेकर्स थे जिन्होंने प्रोग्रेसिव फिल्में बनाई, सोशल इवेंट्स पॉइंट आउट की और समाजी जो है उन समाज को बदलने की कोशिश की। रियाज शाह साहब की खामोश देख लें आप, जवाब दो देख लें जाफर शाह बुखारी साहब की आप, खलील कैसर साहब की क्लर्क फिल्म देख लें, सोशल रियलिज्म पे बहुत काम हुआ। और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, शे मंसूर साहब इस दौर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी फिल्म खुदा के लिए, उनकी फिल्म बोल, तो ये बड़ा एक उम्दा काम हुआ है। और नेशनल बिल्डिंग का जहाँ तक तल्लक है, नेशनल इमेज का तल्लक है, मैंने रिसेंटली एक फिल्म बनाई थी सल्यूट, उसमें मैंने अपने हीरो को जो है वो दिखाया है कि शहीद एतजाज हसन के ऊपर उसकी बायोपिक थी वो, तो दुनिया को ये पता लगे कि हमारे बच्चे कितने बहादुर हैं और हम दहशतगर्दी से किस तरह मुकाबला कर रहे हैं, किस हम टेररिस्ट नहीं है, हम विक्टिम है टेररिज्म का। तो उस फिल्म के अंदर बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी बातें थी उसमें, और उसमें इस्लाम के हवाले से जो टेररिज्म का जो एक इंटरनेशनली जो है लोगों ने एक
तासुर लिया हुआ है, उस गलत तासुर को उसको सही करने की कोशिश की है। उसमें बताया गया है कि नहीं भाई, इस्लाम ऐसा नहीं है, इस्लाम तो एक पीसफुल मजहब है, इस्लाम के अंदर किसी को नजायज ना हक मारना जो है ना वो गलत है, और जो सुसाइडर है वो बयक वक्त जो है दो गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है, एक वो खुदकुशी कर रहा है और दूसरा वो इंसानियत की जान ले रहा है। इस्लाम इस तरह नहीं है, इस्लाम जो है ना वो मंतक दलील की बात करता है, वो मुज़ाकरात की बात करता है, वो बात के जरिए जो है हल करने का मसला जो है ना उसकी वो दरस देता है। तो ये सारी चीजें उस फिल्म के अंदर थी। फिर उस फिल्म के अंदर हमने दिखाया, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, बाद में भी ये वीडियो जहां जहां तक जाएगी, कि तमाम लोग एक दफा जरूर शहजाद साहब की काविश सल्यूट को देखें, और जिस तरीके से इन्होंने वतन परस्ती को उजागर किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इसके बाद शहजाद साहब मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो रुखसती और घूंघट और निगाह जैसी कामयाब फिल्में बनाई, कामयाब के अलावा वो बहुत ज्यादा जो घरेलू मसाइल हैं, जो सोसाइटी के मसाइल हैं, उनको आपने डिपिक्ट किया, तो इसके पीछे क्या जज्बा था? क्या आप अपने इर्द गिर्द को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे थे और वही चीजें आप स्क्रीन पे लेके आ गए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो देखते हैं, जो आप सोचते हैं, जिस चीज का आप मुशाहदा करते हैं, और जो आप सही और गलत की तमीज करते हैं, तो आप वैसा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो निकाह जो है वो भी अपने अंदर एक सोशल मैसेज के साथ थी, घूंघट भी एक सोशल मैसेज के साथ थी, रुखसती के अंदर भी एक सोशल मैसेज था, उसके अंदर भी एक नेशनलिज्म और रोमांस भी था, लेकिन नेशनलिज्म भी उसके अंदर था। इसी तरह मुझे जो फिल्म अपनी इश्क खुदा है, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमें बहसियत पाकिस्तानी और बहसियत मुसलमान जो हमें एक तानाजनी फेस करनी पड़ती है, वो टॉलरेंस, नॉन टॉलरेंस सोसाइटी जो है हमारी। तो मैंने इश्क खुदा जो है वो इसी बात पे बनाई थी कि टॉलरेंस, टॉलरेंस की जरूरत है हमें। जब तक टॉलरेंस नहीं होगी, हमारी अपनी सोसाइटी सही नहीं होगी, हमारा इमेज सही नहीं होगा। तो फिल्म तो एक ऐसी चीज है जिससे आप बहुत सारी चीजों के अपने कथारसिस कर सकते हैं, बल्कि फिल्म है ही कथारसिस का नाम, एंटरटेनमेंट का नाम है या कथारसिस का नाम है। आप या तो फिल्म एंटरटेनमेंट 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 फॉर्मूले पे चलें, या आप फिल्म बराए मकसद की तरफ चलें। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरफ जाना है। मैं उन्हें भी गलत बात आपकी शहजाद साहब, अभी देखिए बहुत सारे मसाइल के बाद चंद साल पहले, 3-4 साल पहले कहा गया कि पाकिस्तानी सिनेमा का दोबारा रिवाइवल हुआ है और अब इंडस्ट्री जो है वो खूब फले फूलेगी, क्योंकि उसमें बहुत कमर्शियलिज्म आया, प्राइवेट सेक्टर और कंपनीज इन्वॉल्व हो गई। उसके बाद पंजाब नहीं जाऊंगी और परवाज है जुनून जैसी एक आध और बहुत अच्छी मूवीज भी आई, लेकिन फिर वही कॉन्टेंट की कमी की वजह से वो फिल्में भेड़चाल का शिकार हो गई और ज्यादातर फ्लॉप हुई। इस सिलसिले में एक तजर्बाकार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की हैसियत से आपका क्या तजिया है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमें ये मल्टीप्लेक्स कल्चर जो है इसका एक फायदा तो हमें है। फायदा क्या है कि हमें हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरी है, ठीक है, और हमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा कन्वेंशनल सिनेमा बंद हो गया मल्टीप्लेक्स आने से, और फिल्म जो है वो सिर्फ अमीर आदमी के लिए रहेगी, इवन के व्हाइट कॉलर आदमी भी नहीं ले सकता, सफेद पोश आदमी भी नहीं ले सकता फिल्म। आपको पर हेड 1,000 रुपया पड़ता है टिकट, एक टिकट पीछे। तो आप फैमिली को फिल्म दिखाने जा रहे हैं तो आप तो फिर सारा घर का बजट ही डिस्टर्ब हो गया ना। तो आपने अपना मिडिल क्लास को भी और लोअर क्लास को भी जो है ना वो अलग कर दिया। जिसके पास पैसा है वो फिल्म देखता है। आप इंडिया का फॉर्मूला देखें, उन्होंने अपने कन्वेंशनल सिनेमा को और रीजनल सिनेमा को मरने नहीं दिया। वहां रीजनल सिनेमा आज भी जिंदा है, मराठी फिल्म भी बनती है, बंगाली भी बनती है, मलयालम भी बनती है, तमिल भी बनती है, बंगाली भी बनती है। हमारे यहाँ रीजनल सिनेमा बहुत मजबूत था, पंजाबी फिल्में बहुत बनती थी, और पंजाबी फिल्म के तो ऐसे रिकॉर्ड है कि जो अभी तक नहीं किसी ने तोड़े, मतलब चूड़ियां का जो रिकॉर्ड है। तो सिंधी फिल्में भी बनती थी, पश्तो फिल्में बहुत बनती थी।
लेकिन ये सब जो है ना ये बंद हो गया, और ये कन्वेंशनल सिनेमा बंद होने से गरीब आदमी जो है वो तफरी से जो है ना महरूम हो गया। अब अमीर आदमी के लिए फिल्म बनती है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट लेने जाता है, उससे किसी मसले में पढ़ने का कोई सबक लेने की उसे वो नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है। देखे पहले फिल्म बनती थी, कोचवान बन रही है, दहकान बन रही है पश्तों में, और इसी तरह सिंधी में बन रही है फिल्में। आप लोअर क्लास से कहानियां उठाते थे, उनके अंदर मौजूद होते थे, उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती थी उन लोगों की, और वो रिलेट करते थे सिनेमा से, और वो सिनेमा जो है ना जाना उनकी आदत थी। देखिए पहले सिनेमा जो है वो लोग देखते थे आदतन, अब फिल्म जो है वो देखते हैं लोग इरादतन। वो पहले इरादा करते हैं कि प्रोमो देख के, टीजर देख के, उसकी रिव्यूज देख के, फिर जो है ना वो फैसला करते हैं कि हाँ मुझे इसके ऊपर पैसा खर्च करना है या नहीं करना, या नहीं करना। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया कि फिल्म को हमने सिर्फ अमीर आदमी के लिए कर दिया, और सिनेमा जो है वो खत्म हो गया। सिनेमा सिर्फ 8-10 शहरों के अंदर रह गया, ठीक है। अब फिल्म का बजट जो है, बजट फिल्म का जो वो करोड़ों में चला गया, 20-20 करोड़ तक फिल्में बनी है, 15 करोड़ की भी फिल्म बनी है। तो रिकवरी आपकी जो है ना 8-10 शहरों से है, और हिट हो के भी फिल्म जो है ना वो प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं आते। अगर ये हमारा सिस्टम जो है ना इसका बैलेंस आउट है, प्रोड्यूसर को आता कुछ नहीं है, सिनेमा क्या लेके जाता है, टैक्स मत भी जो है ना चीजें कैसे जाती हैं, तो इसका बैलेंस आउट हो गया। अभी तो शौक से सब फिल्में बना रहे हैं, लेकिन 2022 में या 21 में जाके जो है ना आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि जिसको हिट होके भी पैसा नहीं अगर बच रहा तो भाई वो क्यों फिल्म बनाएगा। जबरदस्त, आपने कमर्शियल पहलू की बहुत जबरदस्त निशानदेही की। अब मैं जानना चाहूंगा कि आपने हमेशा से अपनी फिल्मों में कहानी को और गानों को बहुत अहमियत दी है, इसकी कोई खास वजह थी? और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसको दूसरी जो प्रोड्यूसर्स हैं या दूसरे लोग जो है वो अहमियत नहीं देते, वो 12 मसाले की चार्ट पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, फिल्म में कहानी को क्या अहमियत हासिल है, इस पे जरा रोशनी डालिएगा। देखिए जी, फिल्म बेस ही कहानी पर करती है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका मौजू क्या है, आपकी कहानी का मोहल्ले वकूं क्या है, किस मोहल्ले वकू में वो है, आपकी सराउंडिंग्स क्या है, और उस मोहल्ले वकू के मसाइल क्या है। तो जब इन चीज़ों को आप लेके चलेंगे, डेफिनेटली आप कैरेक्टर्स बनाएंगे जो आम सोसाइटी में हमारे पाए जाते हैं, वो कैरेक्टर्स बनेंगे, उनकी साइकी आप जो है ना उसके हिसाब से उनकी बिल्डिंग करेंगे कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उसके अंदर आपको फिर जो है ना कहानी की परतें भी खुलेंगी, और नई नई चीजें भी सामने आएंगी, मिसाइल की निशानदेही भी होगी और मिसाइल का हल भी होगा। ये तो फिर रोम कॉम कॉमेडी फिल्म में तो जो है ना वो आप ठीक है स्टार्ट से लेके एंड तक जो है ना हंसाएं खिलाएं और अपना जो है ना इट्स ओके फाइन। मैं इस सिनेमा के खिलाफ नहीं हूँ, ये लोग तफरी के लिए आते हैं, लेकिन तफरी में कहीं कहीं हंसाते हंसाते कहीं तो आप रुलाएं। जब आप रुलाएंगे तो उस रोने के पीछे एक मकसद होगा, कोई कहानी की बुनत होगी, कोई इमोशंस होंगे, कोई सेंटिमेंट्स होंगे, कोई रिलेशनशिप होगी उसमें। हमारी फिल्मों से अलमिया यह है कि रिलेशनशिप खत्म हो गया है। हमारे जो है ना ठीक है वैल्यूज जो हैं वो बदल रही हैं, उन वैल्यूज के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं हम, लेकिन इतना कुछ भी नहीं बदला कि हम अपना जो है ना अपनी फिल्मों से दर्द खत्म कर दें, हम अपनी फिल्मों से रिलेशनशिप खत्म कर दें। जब तक फिल्म के अंदर दर्द नहीं होगा, चाहे वो फिल्म कॉमेडी हो, चाहे वो फिल्म एक्शन हो, चाहे वो रोमांटिक हो, जहां कहीं भी किसी फिल्म में आंख पे आंसू नहीं आएगा, आंख नम नहीं होगी, वो फिल्म फिल्म नहीं है। आप रंगीला साहब की फिल्में देख लें, कॉमेडी फिल्में होती थी लेकिन इतने ग्रिप में इमोशंस होते थे, सेंटिमेंट्स इतने ग्रिप में होते थे। देखिए इंडिया में 8 फिल्में बनना शुरू हुई, श्याम बेनेगल, गोविंद नलानी और बहुत सारे डायरेक्टर्स आए, पंडा सेन आई, मृणाल सेन आए, उन्होंने एक अलग से एक अपना सिनेमा जो है ना, हृतिक घाटेक, सत्याजीत रे, एक इनका अलग सिनेमा था, ठीक है। लेकिन उस सिनेमा का सोसाइटी को फायदा नहीं होता था। आपको अवार्ड्स फेस्टिवल में आप अवार्ड विन कर रहे हैं, आपको जो है ना फेम मिल रही है,
लेकिन एक फिल्म का जो रोल होता है, एक जो ग्रास रूट पे आप लोगों के मुबालगे और मुबालते जो हैं उनको जो है ना तब्दील करते हैं, वो आपको स्कूल मिलेगा राज कपूर साहब का, उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, वो आपको गुरुदत्त साहब का जो है ना स्कूल ऑफ थॉट जो है ना मिलेगा, हमारे यहाँ रियाज शाह साहब है, खलील कैसर साहब है, जो फिल्म को जो है ना एक अपने स्कूल ऑफ थॉट से लेके चले, हसन तारिक साहब, हसन तारिक साहब की फिल्में जो है वो देखने से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने हर मौजू पे फिल्म बनाई है, तो रोमांटिसिज्म में आ जाए नजरुल इस्लाम साहब, उनका एक अपना स्कूल है, अपनी उनकी एस्थेटिक वैल्यूज उनकी अपनी है, और एक स्क्रीन को उन्होंने एक एस्थेटिकली इतना रिच किया, इतना खूबसूरत किया, इतना हसीन किया फिल्म को। आप 77 में इंडियन की फिल्में देख लें और हमारी अपनी फिल्में देख लें, आईना बंदिश देख लें, आपको कहीं भी जो है ना वो आपको उनका म्यार उनसे कम नहीं लगेगा, बेहतर ही लगेगा। फिर बात वही आ जाती है कि आपका पॉलिटिकल सेटअप जो है वो डायरेक्ट जो है ना आपके सिनेमा को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी पेंटिंग्स को, आपकी पोइट्री को, फनून लतीफा की हर चीज को जो है ना वो चेंज करता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि भुट्टो साहब का दौर आया, भुट्टो साहब ने एक सोशलिज्म का नारा लगाया, दुनिया पीछे लग गई, ठीक है, प्रोग्रेसिव लोग सारे जो है ना हो गए, लेकिन वो कहीं बीच में जो है ना जाके वो एक अलायंस मुल्ला के साथ हुआ, वो सोशलिज्म अधूरी रह गई, वो एक जो दिल फ्रेम नारा था वो अपनी अफादियत खो गया। उसके बाद जियाउलग आ गए, वो उन्होंने 11-12 साल इस्लाम को बेचा, ठीक है, फिर जमहूरियत की तरफ हम पलटे हैं, कभी किसी की बेनजीर की गवर्नमेंट जो है ना 2-2.5 साल रही है, कभी नवाज शरीफ की 2-2.5 साल गवर्नमेंट रही है, इसी खेल में हम जो है ना वो पिसते रहे। फिर हमेशा से आप खुद भी माशाल्लाह प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक का भी आपको बहुत जबरदस्त सेंस है, स्टोरी राइटिंग, आपको अपना जाती फेवरेट कहानी नवीस कौन है जिसको आप वाकई एडमायर करते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? देखिए जी, इसमें कोई एक तो नहीं मैं कह सकता, जो माजी में जो काम हुआ उसमें रियाज शाह साहब दी बेस्ट, फिर आगे अली सुफियान अफाकी साहब, उन्होंने आके एक आगा हशर का जो स्टाइल रियाज शाह साहब ने डायलॉग में दिया था वो अफाकी साहब ने जो है ना उसे आसान किया, फिर अफाकी साहब को आगे बशीर नियाज साहब ने पकड़ा, बशीर नियाज और सैयद नूर साहब, इन्होंने फिल्म की जुबान को जो है ना वो आगा हशर के उससे असर से निकाला, एक आम फहम जुबान इस्तेमाल की, एक मकसदियत भी डायलॉग्स में होती थी लेकिन वो एक सादा जुबान में होती थी। इसी तरह पोइट्री में तस्लीम फाजली साहब ने सादा लफ्जों के अंदर बड़ी गहरी बात की, तो आज भी अपना जो है ना हमारे राइटर्स जो हैं बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, हाशिम नदीम साहब, मैं उनसे बड़ा मुतासर हूँ, खलील रहमान कमर साहब और जंजबील आसम शाह बहुत उम्दा राइटर हैं, बड़ा अच्छा डायलॉग उनके यहाँ मिलता है, तो राइटर्स हमारे यहाँ हैं, राइटर्स जो है वो एक नई खेप जो है ना पूरी एक फसल पक के तैयार हो चुकी है, डायरेक्टर्स भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं। देखिए ये अब जो फिल्में बन रही है जब से डिजिटल हुआ है, 35 से निकला है फिल्म जो है, 35 की कैद से निकली है, तो आपको डायरेक्टर्स की एक नई खेप मिली है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो उन्होंने शूट करना सीख लिया, उनकी जो फिल्म की टेकिंग है जिसे हम अपनी जुबान में टेकिंग कहते हैं, जिस तरह वो शूट करते हैं फिल्म को, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड्स कहीं भी इंटरनेशनल लेवल से कम नहीं है। आप मोर देख लें, मोर को फिल्म को आप लगेगा कि आप कोई जो है इंटरनेशनल काम देख रहे हैं, इस तरह और सारी मिसालें हैं। तो इस खेप में जो है ना हमारे पास डायरेक्टर्स जो है ना, एक खेप आई डायरेक्टर्स की जिसमें नदीम बेग है वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर, यासर नवाज है, नबील कुरैशी है, बिलाल लशारी है, तो ये डायरेक्टर्स की एक बड़ी आला खेप जो है ना हमारे पास आई है। हम प्रॉब्लम हमारा कहाँ हुआ कि सैयद नूर साहब अकेले थे, बाकी सब लोग पंजाबी फिल्में बना रहे थे और जिस तरह का ट्रेंड चल रहा था हर कोई रोजी कमाने के लिए घर से आया हुआ है, दर्श देने के लिए जो है ना वो कुछ जुनूनी लोग होते हैं, तो
वो एक सैयद नूर साहब के ऊपर अकेला इतना बोझ जो है ना वो उनके ऊपर आ गया, हर प्रोड्यूसर उनसे फिल्म बनवाना चाहता था। मैंने उस वक्त भी जो है ना मेरा एक स्टेटमेंट आया था कि इस मुल्क को 10 सैयद नूर चाहिए, तो हम दूसरा सैयद नूर नहीं पैदा कर सके और इंडस्ट्री गिर और पड़ी। एक शहजाद रफीक भी चाहिए। मैं तो अभी तिफले मकतब हूँ जी, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मैं तो अभी माशाल्लाह मैं नहीं समझता माशाल्लाह। अपने आप को उस लेवल पे, मैं तो एक स्टूडेंट की हैसियत है मेरी। अच्छा शहजाद साहब, अभी हम तो चुके प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, यहां पे मैं चाहूंगा कि आप की खूबसूरत गुफ्तगू को जरा कंक्लूड किया जाए, कंटेंट के हवाले से, नई मूवीज के हवाले से, कोई मैसेज आपका, कोई सजेशन नए प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, मैं चाहूंगा आपकी जुबान से वो अल्फाज निकलें ताकि लोगों पे असर हो और वो कोई अच्छे और मजीद अच्छा काम करें। देखिए जी, मैं किसी को ना तो कोई अपना पढ़ा सकता हूँ, मैं तो खुद अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है फिल्म के मुतालिक, हाँ वो जी, एक अगर आप लुक मेरी है। आवाज सुन पा रहे हैं तो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, जी बिल्कुल जी मैं ये कहना चाहूंगा जी आ रही, कि आ रही। फिल्म चाहे कॉमेडी हो, फिल्म चाहे एक्शन हो, जी फिल्म शहजाद साहब चाहे बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहूंगा अपने साथियों से, अपने हम असलों से, कि फिल्म चाहे एक्शन आप बनाए, चाहे कॉमेडी बनाए, चाहे आप रोमांटिक बनाए, फिल्म के अंदर दर्द होना चाहिए। दर्द के बगैर फिल्म नहीं बनती, जी और जब तक दर्द नहीं होगा फिल्म जो है मैं नहीं समझता कि वो फिल्म फिल्म होगी। ठीक, तो दर्द बहुत जरूरी है। अब दर्द जब आप डालेंगे तो आप फिर कहानी की तरफ भी जाएंगे, आप कंटेंट की तरफ भी जाएंगे, आप रिलेशनशिप भी लेके आएंगे, बनते रिश्ते टूटते रिश्ते भी दिखाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त नसीहत जी। तो यही है, बाकी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब, कोई बुरा काम नहीं कर रहा, सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब एक दौड़ के अंदर लगे हुए हैं कि अच्छे से अच्छा काम करने की, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन्हें। मैं तो हर नए आने वाले को, हर बंदा जो फिल्म जो तकमील के मराहल में है, या तकमील उसकी हो चुकी है या उसके दिमाग में है, उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ जो एक जज्बा लेके फिल्म की तरफ आए हैं। फिल्म के अंदर बड़ी पावर होती है, फिल्म समाज को चेंज कर देती है, फिल्म लोगों को अवेयरनेस देती है, फिल्म आपकी तहजीब आपके कल्चर को जो है ना दूसरी दुनिया को दिखाती है। तो फिल्म बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर अवेयरनेस। तो फिल्म वाले लोग आम नहीं होते, फिल्म वाले लोग खास होते हैं, और खास लोग ही सोचते हैं, और खास लोग ही अच्छा काम करते हैं, और खास लोग ही अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं, अपने वाकई वतन। वाकई वाकई बहुत बहुत खास होते हैं, बहुत खूबसूरत बात शहजाद साहब आपकी। अब मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक मायानाज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कोई अपने शेर, कोई पैराग्राफ, कोई डायलॉग सुनाए ताकि उस पर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें। डायलॉग तो अपना जो है ना वो तुम दूसरों के लिखे हुए मुझे पसंद आते हैं, अपना लिखा हुआ तो वो दूसरे ही बताएंगे। मुझे वो एक बशीर न्याज साहब का एक डायलॉग बहुत पसंद है फिल्म बंदिश में, वो एक कुछ भी नौजवान इरशाद को कीजिए, कुछ भी। जो एक नौजवान को जो है ना नदीम बेग साहब एक यंग उसमें जो है ना वो है, तो उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बुजुर्ग जी जो है ना उसे, वो एक समझाने का तरीका उनका बड़ा खूबसूरत है। इंडोनेशिया में वो आते हैं नदीम साहब, वो कहते हैं, तालिब साहब कहते हैं कि ये चप्पा ये जी सरजमीन चप्पा चप्पा हसीन और तुम कदम कदम जवान, जी दिलकशी के जिस मुकाम से गुजरो, दिल की आंख से देखा तो रुकने पर मजबूर हो जाओ, कैमरे की आंख से देखा तो लौट आओगे। तो ये एक बुजुर्ग का, एक पढ़े लिखे बंदे का, एक पढ़े लिखे बंदे को समझाने का ये एक अंदाज जो है ना मुझे वाह बहुत ही अच्छा लगा। बहुत और हमें भी और हमारे नाजरीन को भी आपकी प्यारी प्यारी बातें और गुफ्तगू का अंदाज बहुत अच्छा लगा। ये थे नाजरीन बहुत ही मायानाज प्रोड्यूसर डायरेक्टर शहजाद रफीक साहब, और इनके मुताबिक फिल्म किसी भी मुल्क के इमेज को बिल्ड करने के लिए बेहतरीन मीडियम साबित हो सकता है। हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए।
कहानियों पे तवज्जो देनी चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री भी फले फूले और मुल्क का भी इमेज बुलंद हो। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को शादो आबाद रखे। शहजाद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब, एक दफा फिर आपका बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, मुझे भी आपने कैथारसिस करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।